पहली बार वाइट शूज, पहली बार ब्लू जीन्स और पिकाचू वाली शर्ट। वेलकम गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड थाईलैंड। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ रिटन। बहुत अंदर मतलब एयरपोर्ट पे घुसते ही ना यू कैन स्मेल दैट यू आर इन सम अदर प्लेस। आई डोंट नो हाउ, बट इधर भी ड्यूटी फ्री है, बट यहाँ का ड्यूटी फ्री बहुत फार होने वाला है। भाई साहब, भाई साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना वीज़ा ऑन अराइवल लेने और उसके बाद हम अपने लगेज लेंगे, या पहले लगेज ले लेंगे फिर वीज़ा ऑन अराइवल, आई डोंट नो। या तो हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ये सारे वीज़ा ना अराइवल के लिए जाने वाले हैं। ऐसा ना इनके वीज़ा ख़त्म हो जाए, जो हमें बोल देंगे नहीं अब आपको नहीं भेज सकते हम लोग, ऐसा तो नहीं होता ना? श्योर? अरे नहीं होता है। तो यार ये पहले आ चुकी है ना, तो मैं सब कुछ इससे पूछ पूछ के फूक फूक के कदम लेंगे। सो दिस इज़ वीज़ा ऑन अराइवल। थोड़ा चल के बस सीधा सीधा जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना, और फिर वीज़ा ऑन अराइवल आ जाएगा। ईजी, नॉट डिफ़िकल्ट। सो भाई लाइन देखो, भीड़ देखो, लाइन तो है नहीं वैसे कुछ। ये सब फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले से भर के आए हैं, थैंक्स टू मी। भाई तो यार मैं तुम्हें एक यहाँ पे होने वाले एक फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे 200 बात का एक वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल, बट जब ये कैलकुलेट करके देते हैं ना तो तुमको 200 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं पर हेड के हिसाब से। तो हमारा 6000 का वीज़ा ऑन अराइवल था, दे चार्ज जस्ट 6600। और मतलब ऐसे एकदम इतनी तेज़ तेज़ बात करके ले लेते हैं कि कुछ कर ही नहीं सकता बंदा, क्या लड़े यार दूसरी कंट्री में आके कहीं वापस ना भेज दें। तो मैंने आने से पहले देखा तो था ये सब चल रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बैग्स लेने। तो यार अभी हमारा बैग लगेज वगैज लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक 5G सिम लेंगे। तो गाइस जैसे ही बाहर निकलते हो आप अपना बैगेज लेके, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे कार्स वगैरह रेंट पे मिल जाती हैं या टैक्सी समझ लो, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको सिम कार्ड मिल जाएंगे। भाई इतना बढ़िया लग रहा ना, ये सब मैंने अब तक सिर्फ YouTube वीडियोस में देखा था और आज लाइव वही चीज़ें, वही लोग। एज पर द शेड्यूल हमको जाना है पतिया, और पतिया के लिए हम लोग बस ले रहे हैं रादर देन गोइंग इन अ टैक्सी, बिकॉज टैक्सी इज कॉस्टिंग अस टू मच। आइलैंड के एयरपोर्ट में ही यहाँ पे एयरपोर्ट स्ट्रीट फूड एक हब है, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब ये जो ट्रॉली है सिर्फ बैग्स अलाउड है, बच्चा भी अलाउड है। तो अगर इसके अंदर सेटिंग होगी तो वी विल गो एंड वी विल हैव आवर फर्स्ट इंटरनेशनल फूड इन बैंकॉक। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ, क्या क्या है भाई, वाओ, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया अंदर जाके, क्या मस्त चीज़ है यार, क्या खुशबू आ रही है, तुम्हें अच्छी नहीं लगी खुशबू ये? यार मैं ना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मतलब मैंने ना सिर्फ वीडियोस में देखा था ये वाला खाना और यहाँ पे लाइव दिख रहा है तो अलग अलग से अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है। होंगे पीस एग रोल, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग मैन। हाउ मच इज चिकन? चिकन बॉल, चिकन फॉर 10 बार, गिव 1, नो चेंज? गिव मी 2 देन, नो चेंज। ओके ओके, ये है बस की टिकट जो हमने ले ली है और इन्होंने हमसे लगेज का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है, 50 बाट पर लगेज, एंड द टाइम इज 5 o'clock। अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बैंकॉक के 3:30, हमारी बस है 5 बजे की और हमारे पास 1.5 घंटा है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, या तो अंदर जाके यहाँ पे जाके खा लो। खाने के लिए लगेज हम कहीं रख नहीं सकते और अंदर कार्ड भी बनवाना है तो इतना तो कुछ खाना नहीं है। और इन लोगों के पास घर की बनाई हुई मैक्रोनी पड़ी हुई है, मैं तो भाई इतनी दूर आके इंटरनेशनल ही खाऊंगा, इंडियन नहीं खाऊंगा मैं कुछ भी। 5 दिन है हम यहाँ पे, 5वें दिन हम इंटरनेशनल खाएं मैं। सो हम लोग फूड कोर्ट के अंदर आ गए हैं, अभी हमारे पास 1 घंटा है और यहाँ पे भाई इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना तुम आगे, तुम्हें पता ही नहीं क्या खाना है, बट बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है सब कुछ, सब। दिस इज डक, आई थिंक आई विल ईट दिस। यार बानी में 2 चक्कर लगाया, मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा। आई हैव ऑर्डर्ड दिस रोस्टेड डक विद एग नूडल्स। यार ये क्या आइटम पड़ी है भाई, ये कॉन्डिमेंट्स पड़े, मैं तो दिमाग हिल चुका है यार, ये मैं टीवी पे देखता था यार, ये सब आंखों के सामने बड़ा आज। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं ना वो सारे तुम्हारे मतलब एशियन लोग ही हैं, इंडिया वाले थोड़े कम ही हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना नहीं है ज़्यादा। फूड ब्लॉगिंग करने नहीं है बट हम जो भी खाएंगे टेस्ट करेंगे, वी विल शेयर द एक्सपीरियंस। सो दिस इज रोस्टेड डक विद एग नूडल्स, खाऊं? तो खाएगी?
मीठा मीठा है क्या? मीठा खाने खाते हैं यहाँ पे यार, उसके लिए चटनियाँ दे दी मिर्ची बनाने के लिए। ये डक मीट है, जो नहीं खाता नॉन वेज मत देखो। कल ऐसा लग रहा है मतलब खा रहा हूँ, क्वैक 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 क्वैक। नहीं आपको नहीं मिलेगा, इसकी मर्जी होकर बड़े होकर खा लेगी, बट अभी मैं नहीं दे रहा। वन कॉफ़ी मिल्क टी, समझ तो नहीं आ रहा था यहाँ पे। मैंने ये कॉफ़ी मिल्क टी लिया है, एक बस लोगों की प्लेटों में झाँक ही जा रहा हूँ कि क्या क्या खा रहे हैं वो लोग। वन चिकन बॉल प्लीज, वन चिकन बॉल, या स्पाइसी, स्पाइसी, आई वांट स्पाइसी। कुछ भी दे देते हैं बोल के ना, मैंने बोला स्पाइसी, उन्होंने बोला स्पाइसी, मेरे समझ नहीं आया, पूछ रहा है बता रहा है। तो दिस कॉस्ट मी 10 baht मतलब 20-25 रुपए है ना, ये चार लॉलीपॉप के। यार इनका चिकन बड़ा वो है यार, स्पाइसी है, स्वीट, जैसे हम मैगी नहीं खाते, बहुत टेस्टी यार, बहुत टेस्टी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी बस पकड़ने, क्योंकि बस निकल गई ना तो यहीं बैठे रह जाएंगे, पियेंगे। अलग ही स्वाद है भाई इस कंट्री का, अलग ही स्वाद है। आइसक्रीम मुझे दे रही है ना, अच्छा लगा। हिरायत कहाँ घूमी घूमी आया? तो दिस इज द टैक्सी एरिया, और उसके बिल्कुल आगे जाके आता है बस एरिया, और हम अपनी बस ढूंढ रहे हैं अभी। ये रही हमारी बस, बहुत शोर मच रहा है बस में, अंदर जाके बात करता हूँ। यार अमेजिंग बस है यहाँ पे ना, वॉशरूम भी है छोटा सा, एकदम चैम्बर जैसा लग रहा है। दिस इज द बस टू पतिया। सो फाइनली वी हैव रीच पतिया, ये बस स्टॉप है यहाँ का, और ये हम लोग टुक टुक में जा रहे हैं अपने होटल। माहौल हो रहा है मस्त एकदम। यार मेरे को तो यहाँ बात ही समझ नहीं आ रही यार, क्या बोल रहे थे भैया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, और अगला व्लॉग आएगा कल, क्योंकि अब हम बहुत थक गए हैं। अभी मैं एक्सप्लोर कर, इतना अंधेरा भी हो गया तो होटल होटल देख नहीं पाएगा, और होटल यहाँ से सिर्फ 12 मिनट दूर है, और इस बंदे ने हमसे 200 बात ले ली, तो चोर तो बहुत बैठे हैं यहाँ पे। ओके बाय भाई। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, इतनी शांति है, ऐसे बस गाड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, ये मैंने ऑब्जर्व अभी किया, इंजन की आवाज़ आ रही है और कोई आवाज़ नहीं आ रही, मतलब चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। We have reached our hotel, which is Rasatani.